अचानक पानी में लग गई आग, बीच समुद्र धधकने लगे आग के गोले। आग और पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नेचर रखते हैं। ऐसे में अगर पानी में आग लग जाए तो यकीन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आग भी अगर समंदर में लगी हो तो हैरान होना लाजमी है। मेक्सिको में समंदर के अंदर धधकता हुआ आग का गोला दिखाई दिया। एक बार अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। मेक्सिको के युकाटन में शुक्रवार को समुद्र के ऊपर तैरता हुआ पिघला लावा दिखाई दिया। ये नज़ारा इतना हैरान करने वाला था कि जैसे ही इसका फुटेज सोशल मीडिया पर डाला गया, वे वायरल हो गया। दूर दूर तक फैले हुए नीले समंदर के बीच नारंगी रंग की आग की लपेटें देखने के में बेहद अजीब लग रही थी। दरअसल में आग समुद्र के बीच अंडर वाटर पाइपलाइन में से गैस लीक की वजह से लगी थी। इस नज़ारे को देखकर लगा कि समुद्र में बहता हुआ लावा तैरने लगा हो। युकाटन पेंसुला को शुक्रवार को सुबह ही ये नज़ारा दिखाई दिया। मेक्सिको की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेमेक्स की पाइपलाइन ने गैस का रिजर्व हुआ, जिसके बाद यहां आग लग गई। सुबह 5:15 पर गैस लीक होना शुरू हुई और सुबह 10:30 तक इसे पूरी तरह बुझा दिया गया। 12 इंच व्यास वाले पाइपलाइन में आग लग गई। मेक्सिको में 5 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिस पर काबू पा लिया गया था और कोई घायल नहीं हुआ था। मेक्सिको की तेल सुरक्षा नियामक ASEA के प्रमुख एंजल कैरिजेल्स ट्विटर पर लिखा कि इस घटना से कोई रिसाव उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि पानी की सतह पर क्या जल रहा था। पेमेक्स सबसे बड़ा कच्चा तेल के उत्पादक है। पेमेक्स कंपनी की ओर से कहा गया है कि घटना की असल वजह का पता नहीं चला है। हालांकि दुर्घटना से तुरंत ही निपटा गया और फायर फाइटर्स ने किसी भी जान का नुकसान नहीं होने दिया। इस घटना का वीडियो मेक्सिको के ऑयल सेफ्टी रेगुलेटर्स एंजल कैरिजेल्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो को देखकर इतने उत्सुक हो गए हैं कि उनका कहना है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लग रहा है। धन्यवाद।